दोस्तों, आप लोगों का फिर से ज्ञानवर्धन एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग 49 to 31 तक का स्क्वायर देखेंगे मात्र 3 सेकेंड में। तो बेस मानना है 25, उसी तरह देखना है कि 50 से ये जो है कितना कम है, एक कम है। तो एक का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? एक का स्क्वायर 0 1 होता है। तो 1 0 1 लिख दिए, फिर क्या करेंगे दोस्तों? 50 से 49 एक कम है, उसी तरह 25 में एक घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 24। दैट इज योर आंसर। 48 का स्क्वायर हमको निकालना है दोस्तों। तो देखना है 50 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 0 4। 50 में 50 से जो 48 जो है 2 कम था, 2 कम का स्क्वायर मतलब 0 4। अब उसी तरह क्या करेंगे? 25 में 2 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 23। 47 का स्क्वायर निकालना, तो ये 3 कम है, 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 309। उसी तरह 25 में 3 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? 22। 25 में 3 घटा दिए, 22। फिर 46 का ये 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 16। आप 25 में 4 घटा देंगे दोस्तों, 25 में जब इस 25 में 4 घटा देंगे तो 21। 45 का स्क्वायर निकलना, 5 का स्क्वायर 25 हो गया दोस्तों, और 25 में 4 घटा देंगे, ये 25 में 5 जब घटा देंगे, क्योंकि ये 45 जो है 50 से कम, 5 कम है, इसलिए 25 में 5 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों, आप लोग जानते हैं 42 का स्क्वायर हमको निकालना होगा, 43 का स्क्वायर निकालना होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों? तो ये देखना है कि कितना कम है, 50 से 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 49। आप 25 में 7 घटा देंगे, 25 में क्या करेंगे? 7 घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि ये 7 क्यों लिए? क्योंकि 50 से ये 43 7 कम था, 50 में 7 घटा देंगे तो आपका बचेगा 17। 25 में 7, 15 में 7 के, सॉरी 18, कितना बचेगा? 18 बचेगा। तो ये 18 को लिख दिए दोस्तों। मान लेते हैं उसी तरह से हमको अगर 41 का निकालना होता तो क्या करते दोस्तों? ये देखिए 25, ये 50 से कितना कम है? 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है? 81। 81 लिख दिए, फिर 25 में क्या करेंगे दोस्तों? ये 9 को घटा देंगे, 25 में जब 9 घटाएगा, 15 में 9 जाएगा, तो 6 16 बचेगा, क्या होगा दोस्तों? 16। उसी तरह मान लेते हैं हमको 35 बनाना होगा। हाँ,